हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। देखिए दोस्तों, आज हमारे पास में एक नोकिया का फ़ोन है जिसका मॉडल है 110 मॉडल नंबर है। इसके अंदर दोस्तों प्रॉब्लम क्या है हमारी, इसमें हमारी डिस्प्ले लाइट नहीं आ रही। ये मैं आपको मॉडल कन्फर्म करा देता हूँ। ये देखिए मॉडल 110, और ये हम इसको फोन ऑन करेंगे। तो ये हमारा फ़ोन ऑन हो रहा है पूरा, बट इसके अंदर डिस्प्ले नहीं आ रही है, डिस्प्ले की लाइट नहीं आ रही है। इसके अंदर हमारी डिस्प्ले की लाइट नहीं आ रही है। तो इस कंडीशन में हम क्या क्या रिपेयर करेंगे इसमें फ़ोन में, ये हम आपको इस वीडियो के अंदर बताएंगे। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों, वीडियो बनाना दोस्तों मेरा काम है, आपका काम सिर्फ उस चैनल को सब्सक्राइब करना और उसको देखने का। तो दोस्तों ये काम ज़रूर करें, आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो ज़रूर देखें, और पूरी वीडियो देखें तभी आपको पूरी जानकारी मिल पाएगी। अगर आप पूरी जानकारी लेना चाहते हैं तो वीडियो ज़रूर पूरी देखें। तो मैं आपको इसमें स्टेप बाय स्टेप करके दिखाऊंगा किस किस वजह से ये प्रॉब्लम आती है। तो सबसे पहले जो इसके अंदर प्रॉब्लम है हमारी, कि ये जो डाइवर्ट होता है, ये देख रहे हैं, ये मेमोरी कार्ड रिजेक्ट होता है। इसके नीचे एक आईसी लगी हुई होती है और इसके नीचे एक ये कंपोनेंट है ब्लैक कलर का, दो टांगों का। इस डाइवर्ट को हम, इस कंपोनेंट को हम यहाँ से रिमूव कर देंगे। और अगर दोस्तों इससे नहीं होती है ये प्रॉब्लम, तो हम इसके बराबर में जो ये कंपोनेंट है, यहाँ से एक जंपर उठाएंगे और डिस्प्ले के इस साइड के चौथे पॉइंट पर, जो चौथा पॉइंट है इस साइड से चौथे पॉइंट पर हम जंपर कर देंगे। पर सबसे पहले दोस्तों जो हमने ये डाइवर्ट का काम किया है, करना चाह रहे, सबसे पहले डाइवर्ट के बारे में बताया है, हम इस डाइवर्ट को यहाँ से रिमूव कर देते हैं। अगर ये डाइवर्ट हमारा रिमूव होके काम हो जाता है तो फिर कोई बात नहीं है, तो हमें आगे कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो ये देखिए, ये हमारा डाइवर्ट यहाँ से रिमूव हो गया है। ये देखिए, मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखाऊंगा ताकि आपको बिल्कुल क्लियर नज़र आए। यहाँ पर ये डाइवर्ट है, यहाँ से यहाँ तक का ये हमने रिमूव कर दिया। और अब हम